या अली मदद, अलवाइज राय अबू अली मिशनरी, वाइज नंबर 436। वैंकूवर, 2 नवंबर 1998, माय वाइज इन डाउनटाउन जमातखाना ऑन द ओकेजन ऑफ मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह 121 एनिवर्सरी ऑफ बर्थडे। याली मदद, मोमिनों आज खुशी जो नहीं है, मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार जी बर्थडे है। अकड़ो सौ ने 21 वर्ष थे। आज इंशाल्लाह इन्हीं जो जीवन में से ये पर्सनल मुलाकात हो जो दरमियान थी हो हम आपके वॉइस में सुनाएंगे। पाचम देशने तवलवाजे वाजते घोर निशान हो जी। त्रण त्रण भवन माशामरो हाक दिलावे ने सेज किलावे सुल्तान हो जियो जी। नासर नास रे तू दैत कलिंगा पाछम थी धनियावे हो जियो जी। खोण नवानो तारी खरिये तड़े जैसे ने तब तुझे कौन छुड़ावे हो जियो जी। मौलाना हज़रत इमाम के सलावत पढ़ो मोमिनो, अल्लाहुम्म सल्लल्लाहु मुहम्मद व आलिम। पीरों के गिनान में ये पीर शम्स का गिनान है, 850 बरस हुए। पीरों ने इमाम के हुजूर में जाके जम्पूद्वीप में यानी हिंदुस्तान में आने का प्रॉमिस लिया। मैं आपको ये कह दूं कि जम्पूद्वीप का मतलब बहुत बड़ा है, पाकिस्तान इंक्लूडेड है, थोड़ा हिस्सा अफगानिस्तान का है, बलूचिस्तान, कश्मीर, बर्मा यानी जिसको हम बर्मा कहते हैं, बांग्लादेश, सारा हिंदुस्तान, ये सब जम्पूद्वीप है। तो जम्पूद्वीप में आने के लिए इमाम ने प्रॉमिस किया और वो प्रॉमिस 600 वर्ष के बाद मौलाना हसन अली शाह माँ बाप ने पूरा किया। हसन अली शाह माँ बाप सलवातुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में 1842 में आए, यानी 150 वर्ष हुआ। 72 वर्ष की इमामत, उसमें इतने बनाव हैं कि मैं आपको थोड़े वक्त के अंदर तो बयान नहीं कर सकता, लेकिन इम्पोर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का जन्म हुआ, मौलाना
हसन अली शाह माँ बाप ने नाम रखा सुल्तान। अभी तक भी किसी और इमाम का नाम कभी सुल्तान नहीं पढ़ा, लेकिन माँ ने नाम रखा मोहम्मद, और अपनी माँ का ये एक ही बेटा था। माता सलामत को मेरी वाजों में आप सुन चुके हैं, बच्चा नहीं होता था तो जमात खाने के अंदर पछेड़ी से जमात खाना क्लीन करती थी, दुआएं मांगती थी और घर जाती थी। मौलाना हसन अली शाह माँ बाप ने उसको ऐसा कहा था। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह कराची में पैदा हुए। उस वक्त कराची मच्छी मारों का एक छोटा सा गांव था और इसके समुन्द्र के किनारे से थोड़ा दूर था, लेकिन समुन्द्र से लगभग 5 माइल पे एक टेकरी थी, छोटी हिल थी, अभी भी है। आप कभी पाकिस्तान जाओ तो ये जगह जरूर देखना। ये हिल मौलाना हसन अली शाह माँ बाप ने खरीद ली थी। उस वक्त माता सलामत प्रेग्नेंट थी और हवा खाने के लिए पूना से इधर आई थी, और यहां टेकरी में, मोहम्मद टेकरी उसका नाम है, मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह का नवंबर की 2 तारीख 1877 जन्म हुआ। और देखो आज कराची कैसा आबाद हुआ है। इमाम 3 बरस तक कराची रहे और फिर मौला उसको लेके गए। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह अपने दादा श्री हसन अली शाह माँ बाप के बहुत प्यारे थे, माँ के तो हद हिसाब से प्यारे थे, क्योंकि माँ ने बड़े यत्न करके बड़ी दुआएं मांग के इसको लिया था। उंगली पकड़ी हुई है, मैं आपको याद कराऊं तो मौलाना हजर इमाम ने लंदन एक दफा तशरीफ लाए तो शहजादा रहीम की उंगली पकड़ी हुई है और चले आते हैं। ऐसा ही हसन अली शाह माँ बाप ने इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह 3 बरस के थे, उंगली पकड़ी हुई है, और जो आज करीमाबाद है, जिसको जूनिया कंडी मोहल्ला कहते हैं, इस जमात खाने के अंदर तशरीफ लाए और पीरी जो माँ अली शाह माँ बाप के पास था वो उनके पीछे पीछे चले आते थे। जब ही कुर्सी पर बैठे, 3 कुर्सियां रखी थी, लेकिन हसन अली शाह माँ बाप ने इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह को उठाया और ये कुर्सी के ऊपर खड़ा, आम रेस्ट होता है दोनों साइड में, इसके ऊपर इसको खड़ा किया। हाथ रखने का जो रेस्ट है इसके ऊपर सुल्तान मोहम्मद शाह को इमाम हसन अली शाह माँ बाप ने खड़ा किया। कांवड़िया हाजी हुजूर में थे उस वक्त, कांवड़िया हाजी भी जवान थे, अपने बाप की वफात के बाद इमाम की हुजूर में नौकरी करते थे। फरमान किया, है जमात, ये सुल्तान है, नाम भी सुल्तान, और फारसी में फरमान करते थे, कांवड़िया हाजी उसका कच्छी में ट्रांसलेशन करते थे, है जमात ये सुल्तान है, ये सारी दुनिया का सुल्तान बनेगा, इसके बारे में तुम लोग बहुत मजे करोगे, बहुत तरक्की करोगे, और इसका वारा बहुत लंबा होगा। एक मेरे कानों के ऊपर बुजुर्गों की तरफ से, और बुजुर्ग भी कैसे, सैयद मुश्ताक अली दीदार अली जैसे कि जो उस वक्त जवान थे, और सैयद मुश्ताक अली के बाप सैयद दीदार अली ईरान से मौलाना शाह हसन अली शाह के साथ इंडिया में आए थे। हसन अली शाह माँ बाप फरमाया इसका वारा 100 बरस चलेगा। मैं आज वारे की बात नहीं करूंगा क्योंकि उसके अंदर अमुक ऐसी चीजें, डिटेल्स में जाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन मौला ने, माता सलामत ने हमको जब गुजर गए और आसमान मिलने के लिए गए, मेरे साथ 2 और आदमी भी थे, उनमें एक गुजर गए एक जीता है, दरखाना नैरोबी के 1957 में मुखी कमड़िया मेरे साथ थे, और माता सलामत हमको सारी बातें सुना रही थी और रोती जाती थी। माता कहने लगी
मुझे कहता था कि मैंने अपनी इमामत को शॉर्ट कर दिया है ताकि मेरी जमात के ऊपर दुख ना आवे, इनके लिए अच्छा है। इसके अंदर और भी बहुत सी डिटेल्स हैं, लेकिन मैं आज ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, फ्यूचर में ये चीज शायद किसी को रेफरेंस के तौर पे काम आवे। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाकावारा इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 72 इयर्स चला है और आपको उसमें लगभग 2.5 साल और उम्र देने चाहिए, ऐड करने चाहिए, ताकि इस्लामी कैलेंडर के हिसाब ने लगभग 74.5 साल की उनकी इमामत रही, क्योंकि जो इस्लामी कैलेंडर है 11 दिन हर बरस छोटा होता है, ये 365 दिन है और उसके 310 दिन कम यानी 55-56 दिन होते हैं। तो मोमिनो, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह छोटी उम्र से ही बहुत ही तेज, बहुत अकल वाले, इमाम तो है ही अकल वाला, लेकिन बचपन की बातें अगर सुनाता हूं तो बचपन के अंदर भी इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह बहुत अपने उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा आगे बढ़े हुए थे। मां का लाड, दादे का प्यार, इन सब चीजों ने, और नूरानी चीज थी, नूरानी फैमिली है, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह छोटी उम्र से ही बहुत बड़े मुदब्बिर थे, मुदब्बिर कहते हैं वाइज। आपको यह मालूम है कि हमारे मुर्तजा अली से लेके इमाम अली शाह मां बाप तक कोई भी इमाम इतनी छोटी उम्र में इमाम नहीं बना जितना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह लगभग 8 बरस की उम्र में इमामत की गादी पर बैठे। 8 बरस की उम्र की ये फोटो आप सब ने देखी होगी, बूढ़े बूढ़े शख्स इर्द गिर्द खड़े हैं, 8 बरस का बच्चेपन के अंदर इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह टोपी पहनी है, हाथ में तलवार है और बैठे हैं तख्त के ऊपर। यही इशारा इस गिनान के अंदर है कि पाचम दिश, पाचम मींस वेस्ट साइड। अब यह गिनान बोला है कि शम्स ने हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान का वेस्ट क्या है आज, जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, पंजाब और फ्रंटियर इलाका जो है ये वेस्ट, ये पश्चिम दिशा है। और इधर से मौलाना हसन अली शाह मां बाप ईरान से जब एंटर हुए तो पश्चिम से आए। मगर यहां एक और इशारा, ये सारा जो गिनान है ना, मेरी 2 घंटे की एक वॉइस है, आप कहीं मिल सकते हैं तो सुनना, मैंने सारे गिनान का एक एक पाठ बोल के इसके अंदर छुपे हुए भेद मैंने अपनी आवाज में बयान किए हैं। पश्चिम दिश अने तंबल वाजे, तंबल कहते हैं आर्मी का ड्रम के जिसके ऊपर चोट पड़ने से पहली चोट मारी जाए और उसके बाद जो सबसिक्वेंट चोटें हैं इससे लड़ाई का अनाउंसमेंट होता है, यानी अभी लड़ाई शुरू होती है। पश्चिम दिश ने तंबल वाज से वाजे थे घोर निशान, घोर कहते हैं ऐसी डार्कनेस के जिसमें कुछ दिखे नहीं, घोर कहते हैं ऐसी तकलीफ के जिसका कोई इलाज नहीं, घोर कहते हैं ऐसा दुख के जो मिटने की आशा ही नहीं हो सकती। और हकीकत के अंदर उस वक्त इतना डेंजर सारी दुनिया के अंदर फैलेगा कि इंसान आज उस चीज को इमेज में नहीं ला सकता। तरण तरण भवन में शाह मारो हांक दिलावे, तरण भवन 3 लेवल समुन्दर के अंदर से इस जमीन के ऊपर और आसमान के ऊपर, यानी तीनों तरीके से लड़ाई होगी। नेवी की लड़ाई, नेवल वॉरफेयर जो है वो समुन्दर में होती है, आर्मी जो है वो जमीन पे होती है, और एयरफोर्स जो है वो आसमान पे होती है। इन तीनों लेवल्स के ऊपर हाक देना यानी अनाउंसमेंट करेगा, डिक्लेयर करेगा वॉर को। और सेजे के लावे सुल्तान,
और मजबूर हो के हर आदमी, क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, ये सुल्तान कहलाएगा, यानी के बादशाह कहलाएगा, शहनशाह कहलाएगा, एम्परर कहलाएगा, और उस वक्त उस जमाने के इमाम के सिवा और कोई राजा नहीं होगा। अभी भी जो थोड़े से राजा बचे हुए हैं विद इन नेक्स्ट 50 ईयर्स, बल्कि शायद इसके भी पहले ये तमाम राजे रजवाड़े खत्म हो जाएंगे, कोई राजा नहीं रहेगा, सिर्फ एक राजा रहेगा, और वो आने वाले बनाव के हिसाब से मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के बहुत से फरमानों के अंदर भी इस किस्म के इशारे हैं। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह छोटी उम्र से जमातों के साथ मिलते गुलते थे, जमात के लोगों और बच्चों के साथ खेलते भी थे, और जब 8 बरस की उम्र में इमाम बने तो उनके अंदर जो बचपन की फ्रीडम होती है या बचपन का ऐसा बिल्कुल ओपन माइंड होता है, उसकी जगह सीरियसनेस आ गई, क्योंकि अब वो इमाम है। एक छोटी सी बात करूं कि इमाम 8 बरस की उम्र में वो बातें कि जो कभी बड़ा आदमी भी सोच नहीं सकता, इस तरह से इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार छोटी उम्र से ऐसा करते थे। माता सलामत बहुत प्यार करती थी, जब इमामत की गादी पे आ गए तो लाजिम है मुखी कांवड़िया जमात की अमलदार मौला को मिलने जाएंगे। लोग और भी ऐसे थे, मेहमानी ले जाते थे, खाने पीने की चीजें ले जाते थे, तो माता सलामत सबसे पहले मिले। अभी माता सलामत इमाम की माँ उनको मिलती है और वो पूछे क्या काम करते हो, क्या नाम है, ओहदा क्या है, और वो रजा देवे, तब जाके इमाम की मुलाकात होवे। तो माता सलामत के पास जब भी कोई शख्स जावे तो नेचुरली है, वो जमाने की रीत भी थी, कुछ ना कुछ नजराना, रुपया, 125 रुपया, वो जमाने का 100 रुपया बहुत बड़ी चीज थी, 100 बरस पहले, 150 बरस पहले, माता सलामत का नजराना रखते थे, फिर मौला के पास मिलते थे और मेहमानी रखते थे। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह 6-8 महीने तो निकाले, तो एक दिन खाना खाते खाते माँ को कहते हैं, आमा, माँ को बीबी बुलाते थे, फारसी जबान के अंदर प्यार से बीबी कहते हैं, वैसे बीबी एक बड़ा लकब भी है, लेडी कहते थे, माँ तेरे को मालूम है ये खोजे लोग, ये लोग बड़े होशियार हैं, क्यों, ये खोजे लोग 1 रुपया देते हैं और 125,000 मांगते हैं, और मैं इमाम हूं, मेरा हक है कि मेरे से मांगे, इसलिए मैं मना नहीं कर सकता, और मैंने प्रॉमिस किया कि मैं 1 रुपया दोगे मैं 125,000 तुमको दूंगा, उसमें 10 गुना यहां मिलेगा, बाकी का उधर मिलेगा। अभी वो तेरे पास आके ये 4-8 आने के रुपया जो कुछ भी नजराना रखते हैं, तेरे को 125,000 रुपया 125,000 गुना देने की ताकत है, क्या उधर तेरा चलेगा कि तू 1 रुपया लेके 125,000 रुपया दे सके। मां तो चुप हो गई और उस दिन से नजराना लेना छोड़ दिया। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने किस आसानी के साथ और चालाकी के साथ अपनी माँ को इस चीज से हटा दिया, क्योंकि वो इसनाशरी थी, इस्माइली नहीं थी, और इस्माइली लोग उसकी इज्जत रखते थे सिर्फ इमाम की खातिर, और मोमन का पैसा उसके लिए वाजिब नहीं था, लेकिन इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने आसानी से इस चीज को फिरा दिया। मौला पहले पहले शुरू में ज्यादा मुसाफरी नहीं करते थे, लेकिन फिर क्योंकि उसने जो धारा हुआ था फ्यूचर में जमात के लिए जो होने वाला था, करने वाला था, वो उसको करना था, और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह 1896 में यूरोप गए, तभी मौला की 18 साल की उम्र थी, मां कभी जुदा नहीं हुई थी, अगर 10-15 मिनट भी
मोहम्मद नजर नहीं आते थे, मोहम्मद पुकारती थी हमेशा, तो बेचैन हो जाती थी। अब लड़के ने यह तय किया कि मुझे यूरोप जाना है, मत सलामत बहुत रोई, बहुत कहा कि तू मेरे मरने के बाद जाना, अभी मत जा, लेकिन इमाम के काम है, उसको कोई रोक नहीं सकता। उस जमाने के अंदर एरोप्लेन्स नहीं थे, 1896 समुंदर के रास्ते से उधर जाना चाहिए, 25-26 दिन, शायद एक महीना भी लग जावे। तो इमाम की जो पोजीशन थी राजा रजवाड़े के हिसाब से, इसलिए इमाम की ये जो बोट थी स्पेशली जिधर गेट ऑफ इंडिया है यहां आई, गेट ऑफ इंडिया पे हमेशा गवर्नर और वाइसरॉय ही उतरा करते थे, दूसरे पैसेंजरों को इजाजत नहीं थी चाहे कितने भी बड़े हो गए, लेकिन इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के लिए ये मान दिया गया। गेटवे ऑफ इंडिया के सामने स्टीमर आ गई, मत सलामत रो रही है। अभी जब चढ़ने का वक्त आया स्टीमर के ऊपर, तो दोनों हाथ पकड़ के कलेजे से लगाए, कहने लगी, मोहम्मद तू इधर जाएगा, मैं थोड़े दिनों में मर जाऊंगी, मेरा तू मुंह नहीं देखेगा, लेकिन मैं भी तेरा मुंह मरते वक्त ना देख सकूंगी। मौला भी दुनिया भाने बेचैन हो गए, मां है ना, दोनों हाथ पकड़ के किस किया मां को, कहने लगे, अम्मा मैं इमाम हूं, मैं तुझे प्रॉमिस करता हूं कि जब भी तू मरेगी तो तेरा सिर मेरी गोद में होगा। ऐसा हंस पड़ी, ये जानती थी कि ये इमाम है और ये नूर की ताकत इसमें है, वो मानती थी, अगरचे वो इसनाशरी थी। हमारे लगभग तमाम इमामों की जो घर वालियां थी वो इस्माइली कभी नहीं हो सकती, क्योंकि इस्माइली उसके रूहानी बच्चे हैं। हंस पड़ी, रोना बंद हो गया, वापस रिपीट किया इमाम ने, जुदा हुए चले गए। ये वाकया 1896 का है, चार बरस उस सदी के और 38 बरस दूसरी सदी के, तो 42 ईयर्स के बाद मतसलामत बीमार पड़े 1938 में, जो कि थोड़े थोड़े बीमार रहते थे, लेकिन जनवरी 1938 में मतसलामत सुल्तान मोहम्मद शाह की मदर बीमार पड़े। मौला ने वहां से टेलीग्राम किया कैप्टन मजीद खान, जो मौला के मामू का बेटा था और सुल्तान मोहम्मद शाह का सेक्रेटरी था, और कमड़िया जमात खाने का चालू कमड़िया, उसका लड़का इतमादी हुसैन अली जवेरी, इन दोनों को हुक्म किया कि मत सलामत को बगदाद ले जाओ और तुम साथ जाओ। स्टीमर में बैठे और बगदाद ले गए। जब ही बगदाद पहुंचे बीमारी और बढ़ गई, बहुत कमजोर हो गए, हॉस्पिटल में गए, और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार 4-5 दिन के बाद बगदाद आए, मां को देखने गए, जो पिलोज थे वो निकाल दिए और इमाम खुद वहां बैठे और मां का सर उठा के अपने खोड़े में अपनी गोद में रखा और उसको हिलाया पुकारा, क्योंकि बेहोश थी, आंखें खोली, मौला का चेहरा देखा, मोहब्बत से हंसी और फिर रो पड़ी। मौला कहते हैं, मां देख तेरा सिर मेरी गोद में है, बहुत खुश हुई। और इधर थोड़े मिनट बातें करते रहे और इसकी गोद में ही सिर पड़ा था और मत सलामत गुजर गई। 42 बरस पहले किया हुआ प्रॉमिस मां के साथ इस तरह पूरा कराया। इमाम के तौर पे हम इस्माइलियों को कोई नहीं सिखा सकता,
इमामत की ताकतें, इमामत का दर्जा, इमामत की लेवल, सारी दुनिया के अंदर इस्माइलियों को कोई दूसरा सिखा नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो ये तरीका है ये इमामत की शनाख्त के ऊपर ही टिका हुआ है। हम लोग नूर परस्त हैं और हमेशा नूरानी नजर से, नूरानी ख्याल से और नूरानी अपने दिल के अंदर इमेज करके हमने अपनी इबादतें की हैं और इमाम की शनाख्त करते हैं। इमाम के साथ हमारा जो ताल्लुक है वो नूरानी ताल्लुक है, जिस्मानी नहीं, क्योंकि हमने कभी भी किसी इमाम की जो मौत का दिन है, शारीरिक मौत का दिन, हमने कभी भी पढ़ा नहीं। हम हमेशा इमाम के जन्मदिन बनाते रहते हैं, इमामत की गादी पे आने का जो सक्सेशन का दिन है वो मनाते हैं, बाकी हम खुशियां करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं नूर कभी मरता नहीं, नूर कभी वीक नहीं होता, नूर कभी बदलता नहीं, नूर को कोई आंच नहीं, नथिंग कैन डिस्ट्रॉय नूर। इसलिए हम इस्माइलियों की नजर के अंदर इमामों का दर्जा हमेशा नूरानी हालत में रहा है। इमाम जमान सुल्तान मोहम्मद शाह का जो ये वारा था, इस वारे के अंदर इतने बनाव बने हैं कि उनको अच्छी तरह से कलमबंद नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आपको यादी के तौर पे, हमारे एक मिशनरी थे जाफर अली भलवानी, जाफर अली अबजी भलवानी, उन्होंने 2-3 किताबें लिखी और 4-5 और भी लिखी, लेकिन 2 किताबें लिखी कि जिसके अंदर इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार के बहुत से ऐसे बनाव लिखे हुए हैं, भलवानी बंडोड़ के अंदर आपको इमाम की बहुत सी ऐसी बातें मिलेंगी कि जो मौजज़े के तौर पे मानी गई है और हकीकत में के अंदर वो सारी चीजें बनी है, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा बन चुकी है। इमाम जो है वो इमाम है, आज उसके मौजज़े बयान करने के लिए नहीं आया, क्योंकि वाजों के अंदर थोड़े 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 ये बातें होती रहती हैं, वाकयात आते रहते हैं, लेकिन आज तो मैं उसकी हिस्ट्री बयान करना चाहता हूं, ताकि हम सबको, हमारे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि इमाम कहाँ पैदा हुए, किस उम्र के अंदर इमाम बने, किस उम्र के अंदर ये दुनिया उन्होंने छोड़ी। 1957 जुलाई का महीना और 11 तारीख, बरकतविला गांव का ये मकान का नाम था, और उधर स्विट्जरलैंड के अंदर जिनेवा में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने यह दुनिया छोड़ी। उस वक्त मौलाना हाजर इमाम मत सलामत उम्र हबीबा, प्रिंस अली खान, प्रिंस सदरुद्दीन, प्रिंस अमीन मोहम्मद, ये सब उधर मौजूद थे। इस किस्म के जो वाकयात हिस्ट्री में बनते हैं, उस वक्त के जब हम ये सुनते हैं कि हमारे इमाम ने दुनिया छोड़ दी, तो चूंकि बहुत बरसों तक उसके साथ हमारा संबंध होता है, भले हम बाज दफा मुंह से नहीं बोलते, लेकिन 99.99% इस्माइली, हर एक इस्माइली किसी न किसी तरीके से, छोटी या बड़ी, थोड़ी या ज्यादा, अपने मौला से मोहब्बत रखता है। जमात खाने न भी आवे तो भी उसके दिल में इमाम की मोहब्बत तो है। ऐसे कितने ही यंगस्टर्स हैं कि जो रोज जमात खाने नहीं आते, लेकिन अभी ऐलान करो कि मौलाना हजर इमाम नेक्स्ट वीक आते हैं और हमको सब अरेंजमेंट करता है, तो सब लोग भाग के आ जाएंगे मौलाना हजर इमाम के अरेंजमेंट के लिए। लागनी है, और ये लागनी के दर्जे होते हैं कम ज्यादा। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की भी जब ये न्यूज आई, तो बहुत से लोग पहले तो इस बात को मानते भी नहीं थे, और 72 साल उनकी इमामत चली, कई लोग सुल्तान मोहम्मद शाह की इमामत में जन्म लिया और उसी की इमामत में ही गुजर गए, कई को 50 साल में गुजर गया, कोई 70 साल में गुजर गया, कोई 40 साल में गुजर गया, ऐसे हजारों अपने इस्माइली रहे कि जो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की 1877 की उसकी बर्थडे के बाद
1885 की 8 बरस की उम्र में अगस्त महीने की 17 तारीख को इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह इमामत की गादी पे आए। अगस्त 17, 1885 इमामत की गादी पे आए, और कई लोग उनके बारे में पैदा हुए, उनके ही बारे में गुजर गए। तो इमाम के साथ हमारा संबंध शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आत्मिक भी है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की इस न्यूज के ऊपर सारी दुनिया के अंदर एक गमनाक लहर छा गई। पर कौम के लोग भी, मुझे अच्छी तरह याद है दार सलाम के अंदर जब यह न्यूज आई तो गवर्नर एडवर्ड ट्वाइनिंग था, उसने भी एक मैसेज पढ़ा था। तो उसकी हाजिरी के अंदर एक अरब मुसलमान ने कुरान शरीफ की तिलावत की और रो पड़ा। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का जब नाम आया रो पड़ा, रोते रोते तिलावत की। गैर कौम के अंदर भी ऐसे बहुत से लोग थे कि जो उसके मुरीद नहीं थे मगर इसको मानते थे, इसकी इज्जत रखते थे, आले रसूल समझ के उसके कदमों पे सर भी रखते थे। सर अली इमाम नाम का एक बहुत बड़ा अरब मालिक था उधर मुंबासा के अंदर, मालदार शख्स था। कुछ मुंबासा वाले यहां बैठे हैं, इन्होंने शायद उसको देखा भी होगा, मैंने तो देखा नहीं। जब मौला ने इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने 1945 के अंदर ईस्ट अफ्रीकन मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की बुनियाद मुंबासा में रखी, तो उस टाइम के अंदर एक बड़ी फंक्शन बनाई गई। सर अली इमाम जो था वो शराब पीता था, और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह को दुनिया भर में भी इस बात की खबर थी, लेकिन उसने सख्त मना कर दिया था लोगों को और सर्विस देने वालों को कि खबरदार, ये कहीं भी मेरे नजदीक नहीं आनी चाहिए। तो जब ये खाना शुरू हुआ तो कुछ अंग्रेज और दूसरे ब्रिटिश लोग और यूरोप के लोग थे, वो शराब पीते थे। तो हंसते हंसते मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सर अली इमाम को कहते हैं, मुझे मालूम है कि तुम थोड़ी थोड़ी पीते हो, तो तुम जब भी मौला उसके साथ बातें करे तो वो खड़ा हो जावे, तुम पी सकते हो। कहते आले रसूल मेरे पास बैठा हो और मैं शराब पीऊं, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं हुआ, नहीं पिया। लेकिन ऐसी बनाव बने हैं कि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह गार्डन पार्टी में है और खोजा शराब पी रहे हैं। एक गैर इस्माइली इतना मान मर्तबा रखता है कि इमाम जानते हुए भी फिर उसको चकोजा किया, यानी छेड़ा उसको, मगर उसने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। इमाम जाहिर भाने तो ऐसा थे, हमारे साथ भी दूसरों के साथ भी, उनका दबदबा बहुत था, वजनदार बदन था, एक बड़ी बड़ी आंखें थी और हमेशा काला चश्मा पहनते थे। क्योंकि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह अगर किसी के साथ आंख मिला के बहुत देर तक जो देखे तो मैं समझू शायद वो आदमी बेहोश हो जाएगा, ऐसी आंखें थी। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह 1945 में साउथ अफ्रीका गए। अभी जो मैं आपको बातें सुनाता हूं ये कहीं लिखी हुई नहीं है, लेकिन आज रिकॉर्ड हो रही है। साउथ अफ्रीका गए, उस वक्त साउथ अफ्रीका के अंदर अपार्टाइड था और ये जो काले लोग और कलर्ड लोग थे उनके लिए सेग्रीगेशन था। इमाम यूरोपियन नहीं थे, कराची में पैदा हुए थे, तो उनके लॉ के हिसाब से सुल्तान मोहम्मद शाह कलर्ड में आते हैं और इनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन की जाए लॉ के हिसाब से, लेकिन इमाम के लिए एक्स्ट्रा बंदोबस्त किया गया और एक राजा के तौर पे उनको मान दिया गया। उस वक्त प्रेसिडेंट जनरल स्मर्स था। हिस्ट्री पढ़ने वाले लोगों को पता होगा कि जनरल स्मर्स ब्रिटिश आर्मी के अंदर बढ़ के बहुत बड़ा हुआ, फिर साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका एक जमाने के अंदर ब्रिटिश था,
फिर ये डच लोगों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया और ब्रिटिश ने अपना हाथ खींच लिया। तो गवर्नमेंट, साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने एक एशियन को ये मर्तबा दिया कि गवर्नमेंट ने सुल्तान अहमद शाह के मान में एक सनडाउनर दिया, यानी शाम के वक्त उसके अंदर खाना पीना भी होता है और ऐसा सब तरह की आजादी होती है। स्पीच की गई, जनरल स्मर्स ने पहले मौला को वेलकम किया। जब जवाब देने लगे तो इमाम के राइट हैंड के ऊपर जनरल स्मर्स बैठा था, लेफ्ट हैंड के ऊपर उस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर था वो था। तो मौला बोलते बोलते ऐसी बात कुछ निकली तो सब कहते हैं, स्मर्ट्स प्रेसिडेंट नहीं, योर एक्सीलेंसी नहीं, जनरल नहीं, कुछ नहीं, स्मर्ट्स। स्मर्ट्स खड़ा हो गया। डू यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू इन सो एंड सो डे दिस वन दैट वन? यस योर हाइनेस। दम के फिर बैठ गया। फिर स्पीच करते 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 मौला को फिर कुछ याद आया, फिर कहने लगे, स्मर्ट्स। स्मर्ट्स वापस खड़ा हुआ और मौला ने कहा, तेरे को याद है मैंने तुझे फलाने टाइम पे ये कहा था? वापस झुक के कहते हैं, यस योर हाइनेस। वापस बैठ गया। वो योर हाइनेस कहे, ये उसको स्मर्ट्स कहे। लोग मुंह में उंगलियां डालते थे, ये दबदबा, ये उसका प्रभाव, ये उसका इन्फ्लुएंस, ये उसका असर लोगों के ऊपर, लोग चुप हो जाते थे। मुझे याद है, लोग, आपको ख्याल है हम लोग सब मोस्टली ईस्ट अफ्रीका में से आए हैं। अगर इमाम सुल्तान अहमद शाह की डायमंड जुबली हो गई तो डायमंड जुबली का 1 करोड़ शिलिंग इकट्ठा हुआ। नैरोबी के अंदर इसकी मीटिंगें हुई तो इमाम ने लोगों से पूछा, लीडरों से, कि क्या करना है। तो मेजॉरिटी इस बात के ऊपर आई कि हम एक बैंक खोलें, अपनी इस्माइली बैंक होनी चाहिए। इस्माइलियों के ज्यादा अकाउंट्स मोस्टली करके स्टैंडर्ड बैंक ऑफ साउथ अफ्रीका में थे कि जो बाद में खाली स्टैंडर्ड बैंक हो गया। और सारे ईस्ट अफ्रीका के जितने भी बैंकर्स थे उनका प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका का ये स्टैंडर्ड बैंक का मैनेजर था, पक्का कलर बार मानने वाला, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाला। उसको पता लगा कि इस्माइली लोग बैंक बनाने वाले हैं, तो इस्माइली तो एक बड़ी ऐसी व्यापारी कौम है, और इस्माइली कभी हम मेरे बैंक में से या दूसरे बैंकों में से निकल जाएंगे तो दूसरे भी इनको देख के, हिंदू और दूसरे मुसलमान बानिया वगैरह, तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो उसने अड़खी लिखी, हमारी जो एप्लीकेशन थी बैंक बनाने के लिए वो एप्लीकेशन इसने पास ना होने दी। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह को मरहूम काउंट अब्दुल्ला आशमगान जी ने ये सारी रिपोर्ट दी। मौला कहते हैं, अब्दुल्ला लंच के ऊपर इसको बुलाओ। मेरा ख्याल है, मैं नहीं भूलता तो शायद उसका नाम स्मिथ था, शायद मेरी भूल भी होती हो, मगर उसको लंच पे सुल्तान मोहम्मद शाह ने बुलाया। लंच पे जब बैठा मौला के साथ, पहली दफा जब मुलाकात हुई तो थोड़ा नरम ढीला पड़ गया। लंच खाने के बाद सब बैठे, उसको कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम आड़े गए हो। कहते, योर हाइनेस, बात ऐसी है कि आपकी कौम छोटी सी कौम है, बैंक नहीं चला सकते, और ये आपका काम नहीं है बैंक चलाना। और बात क्या है कि ये छोटी सी इस मूड़ी के अंदर आप बैंक किस तरह से बनाओगे? जब उसने ये कहा ना कि छोटी सी मूड़ी क्या कर सकेंगे, इमाम सुल्तान अहमद शाह फरमाते हैं कि तुम्हारा जो बैंक है साउथ अफ्रीका की हेडक्वार्टर से लेके अभी तक, और लंदन की जो ब्रांच है वो भी, सब मिला के तुम्हारा कैपिटल कितना है? तो उसने कुछ फिक्र बोली। माँ बाप हंस के कहते हैं, तुम्हें मालूम है मैं कौन हूं? मैं आगा खान हूं। तुम्हारी ये बैंक, तीनों बैंक, इंग्लैंड की साथ, साउथ अफ्रीका की साथ, तुम्हारी यहां की बैंक,
मैं सिर्फ एक उंगली के इशारे पे खरीदूं, तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हारी बैंक खरीद लूं? साहब इस तरह से बोले, वो कांपने लगा, ऐसा हिलने लगा, कहते नो 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 योर हाइनेस, मेरा ये मतलब नहीं था, आई डिडंट मीन दैट, आई विल हेल्प यू, यू कैन डू इट। साहब बदल गया, माँ बाप फिर नरम होकर पूछते, कैन यू सजेस्ट एनीथिंग मोर? तो उसने ये सजेशन दिया कि आप बैंक बनाओ, उसकी जगह आप एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाओ, ताकि उसके अंदर बैंकिंग फैसिलिटीज भी आ सके और लोगों को अपनी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड्स की तरह चांसेस मिल सके। मौला को ये सजेशन बहुत पसंद आया और उसके इस सजेशन के ऊपर इमाम ने अपना इरादा बदल के बैंक की जगह इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाया, डायमंड जुबली इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। मैंने आपको ये बात इसलिए सुनाई कि वो लोग के जिन्होंने कभी इमाम को जाहिर भाने नहीं देखा था, मगर जब वो सामने आते थे तो वो कांपने लग जाते थे, थर थर आते थे, ऐसा उसका दबदबा उसका भाव था। अब ख्याल करो कि हिस्ट्री के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ, दो चार पांच दस हजार बरस पहले भी नहीं हुआ। एक रिपोर्ट है कि लगभग 2000 साल पहले हिंदुस्तान के राजा विक्रमाजीत, जिसका सन चलता है, विक्रम सन चलता है, जिसको हम संवत कहते हैं, संवत 100 एंड 100, अभी जो संवत चलता है एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन 2050 के करीब होना चाहिए, इंग्लिश कैलेंडर से वो लंबा है क्योंकि वो जीसस के पहले गुजर गया। विक्रमाजीत ये जो हिंदुस्तान का राजा, सारे हिंदुस्तान का राजा विक्रमाजीत था, उसको चांदी में तोला गया था, चांदी में तोला गया था, लेकिन सोने में तोलना और उसके बाद फिर हीरों में तोलना, ये सिर्फ इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के जमात और उसके मुरीदों ने इसको हक करके बताया। ये एक हिस्ट्री की अजोड़ यानी अनपैरेलल एक ऐसा बनाव और इवेंट है कि जिसको हमें हर इस्माइली को समझना चाहिए, याद करना चाहिए कि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह को दो दफा, एक दफा बॉम्बे में, एक दफा इधर नैरोबी के अंदर सोने में तोला गया, और दो दफा हीरो में तोला गया, एक दफा बॉम्बे में, दूसरी दफा दार सलाम के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जुबलियां मैंने देखी हैं और आप में से बहुत से ऐसे हैं कि जिन्होंने ये देखे हैं। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह कोई गांधी की तरह नहीं थे कि सारा गांधी का वजन कितना था, 78 पाउंड, लेकिन इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का वजन था 246 पाउंड। तो हमने उसको जब इस सोने में तोला, उससे 1.5 पाउंड हीरो में तोला तो ज्यादा हो गया, 246 पाउंड के डायमंड्स इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की मुबारक बॉडी के सामने वजन रखा गया, और वो हीरे का इसने कोई हार नहीं बनाया, वो पैसा जमात को दिया ताकि ये एक तो गोल्डन जुबली की इंश्योरेंस जो बनाई गई और दूसरी डायमंड जुबली इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाया गया, जमात को उसके अंदर से लोन मिला, जमात को उसके अंदर से स्कॉलरशिप्स मिले, जमात को उसके अंदर से दफे मिले, और आहिस्ता आहिस्ता इमाम ने किस तरह से इस जमात को एमेंसिपेट किया, यह हिस्ट्री इस बात की शाहद है। आपको मैं एक और यादी बताऊं कि इमाम ने जमात के लिए कैसे कैसे काम किए। अफ्रीका के अंदर जब इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की डायमंड जुबली हुई तो सारी अफ्रीका के अंदर 68,000 इस्माइलीज थे, सारी अफ्रीका में, मडागास्कर के साथ साउथ अफ्रीका से लेकर ऊपर तक 68,000 इस्माइलीज थे, जो बाद में और थोड़े टाइम निकल गया, 10-11 बरस निकल गए और कुछ लोग इंडिया से माइग्रेट होके आ गए। तो मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने जब वारा इस दुनिया के अंदर पूरा किया
مولانا حضر امام گادی نشین ہوئے اس وقت سارے افریقہ کی اسماعیلی جماعت کی بستی 75,000 تھی. میں اس وقت کی بات کروں ڈائمنڈ جوبلی کے ٹائم پہ, کیونکہ میں بھی انڈیا سے امام کے حکم سے میں ادھر افریقہ میں آیا, ڈائمنڈ جوبلی سے پہلے آیا تھا. اسماعیلیوں کے پاس اچھے مکان نہیں تھے, خود کے بھی نہیں تھے. میں تھوڑا اور آپ کو پیچھے لے جاؤں. امام سلطان محمد شاہ جب 37 میں گولڈن جوبلی کرنے کے لیے افریقہ کے اندر آئے تو مومنوں اس وقت کوئی اچھا بنگلہ نہیں تھا امام کو رکھنے کے لیے, کوئی اچھی موٹر نہیں تھی امام کو بٹھانے کے لیے. دار السلام میں جب اس سال 37 میں آئے تو ایک ہندو کی مانگی ہوئی کار کے اندر بیٹھے اور بارکلے بینک کا جو مینیجر تھا اس کا بنگلہ ادھار لیا گیا 10 دن کے لیے. وہ دوسری جگہ چلا گیا اور اس کو رینوویٹ کر کے مولا کو رکھا 37 میں. مگر جب صاحب جانے لگے تو دعائیں دیں کہ انشاءاللہ میں جب دوسری دفعہ آؤں گا تو میرے بچوں کے پاس اچھے مکان بھی ہوں گے, رہنے کے بنگلے ہوں گے اور اچھی گاڑیاں ہوں گی. مولا 8 برس کے بعد 45 میں جب ڈائمنڈ جوبلی کرنے کے بہانے سے آئے, مگر ڈائمنڈ جوبلی 46 میں ہوئی, تو اس وقت مولانا سلطان محمد شاہ کاؤنٹ قاسم سام جی کے بنگلے میں ٹھہرے اور موٹریں بے حساب تھی. آج اسماعیلی جو ہم یہاں بیٹھے ہیں سارے کینیڈا میں ہیں, انڈیا پاکستان میں ہیں, افریقہ میں ہیں, جدھر جدھر بھی ہیں. مولانا امام سلطان محمد شاہ نے جماعت کو اس طرح سے لاڈ لڈا کے خانہ ودان کی برکتیں دے دے کے, ان کے لیے دعائیں دے دے کے, ان کی گائیڈنس دے دے کے, ہر موقع کے اوپر میٹنگیں بلا کے ان کو یہ کرو یہ کرو, اور پھر ایویاں کانفرنس کے اندر 1951 and 1952 میں دو ایویاں کانفرنس جو ہوئیں ان میں یہ پاس کیا گیا کہ ہر ایک اسماعیلی کے پاس خود کے رہنے کا مکان ہوئے, اور یہ ہاؤس فار آل کی اسکیم 1960 میں پوری کرنے کے لیے امام نے فرمان کیا. الحمدللہ سب کے مکان ہو گئے. یہ تو دنیاوی چیز ہے, روحانی چیز کے اندر بھی امام سلطان محمد شاہ جو کا ہم کبھی خیال کریں. اگر ہم امام زمان کی جو اس کی امامت کی جو سائیڈ ہے, نورانی سائیڈ اور روحانی سائیڈ ہے, ہمارے ساتھ تعلق ہے اس کا, تو میں آپ کو عرض کروں اس کے اندر بھی ہم لوگ پیچھے نہیں رہے. امام نے رات دن ہر سال تشریف آوری کی,